ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है, साथ ही साथ गुरु जी की जो कथा है वो बिहार में इस समय चल रही है और उसी कथा में गुरु जी ने 5-5-5 वाला उपाय बताया है। अगर आपके जीवन में कैसे भी कष्ट हो, चाहे बीमारी को लेके हो, चाहे मनोकामना को लेके हो, सारी इच्छाएँ आपकी पूरी ज़रूर होंगी, सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो बिहार में कथा चल रही है, उस कथा से सुन के समझाऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है, 5-5-5। कहोगे भैया इसके फायदे क्या हैं? देखो, सबसे पहला तो इसका फायदा है कि अगर मेरी जो भी बहनें हैं ना, उनको कोई बेबी नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कर सकते हैं। दूसरा, आप उनके लिए भी कर सकते हैं कि अगर आपको बीमारी हमेशा लगती है, छोटी छोटी बात को लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हो, हमेशा मेडिसिन खाते हो, तो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे फूल हमें चाहिए होंगे, 5 सफ़ेद फूल। कितने? 5 सफ़ेद फूल लेना। आगे बढ़ें, इसी तरीके से लेना होगा आपको 5 बेलपत्र, और वो बेलपत्र कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 बेलपत्र ले लिया, 5 सफ़ेद फूल लिया, साथ ही साथ लेना होगा 5 दूर्वा, ठीक है। कितनी दूर्वा? मात्र 5 दूर्वा लेना, हरी वाली। इतने लेने के बाद साथ ही साथ आपको लेना, फिर आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से एक तांबे का लोटा। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, इस तांबे के लोटे में आप जल अपने घर से मत भरना, आप जल अपने घर से लेके तो जाना, लेकिन वो लेके जाना एक बड़ी सी बाल्टी में। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए होगा 5 लोटा जल। कितने? 5 लोटा जल। इस चीज़ का ध्यान रखना, समझ में ही बात। अब देखो, इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास सबसे नज़दीक में हो। जो मैं सबसे पहले नियम समझोगे, पहला नियम तो ये है कि जो बाल्टी में जल आप अपने घर से भर के लेके आए हो, यहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास में ही उस बाल्टी के जल को रख देना, और जो तांबे का लोटा होगा इसी बाल्टी के अंदर डाल देना। पहला काम तो यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा काम क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। इतना काम कर लिया। अब इस दूसरे काम में, जो आपके पास में एक दूर्वा है, एक बेलपत्र है और एक सफ़ेद फूल है, सभी को 5-5 है ना सारी चीज़ें, लेकिन उनमें से एक एक चीज़ें, एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। पहला काम हो गया। अब देखो, इसी में पहला काम और क्या करना होगा, जो बाल्टी में आपके लोटा है इसमें से एक लोटा जल निकालना और इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर तुमरुका जी के नाम से जल को समर्पित करना, ठीक है। पहला काम खत्म होता है। दूसरा काम फिर से इसी तरीके से रिपीटेशन आपको करनी है। अभी आपके पास 4 दूर्वा, 4 बेलपत्र और 4 फूल बचे हैं, उनमें से फिर एक एक चीज़ों को निकालना, एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल, फिर से वही काम करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। फिर इस बाल्टी में एक लोटा जल निकालेंगे और फिर उन्हीं चीज़ों के ऊपर समर्पित करेंगे तुमरुका जी के नाम से, ठीक है। दो चीज़ें समझ में आई। तीसरा, अभी आपके पास में 3 दूर्वा, 3 बेलपत्र और 3 सफ़ेद फूल है, फिर से आपको क्या करना है, एक एक चीज़ों को समर्पित करना है, एक लोटा जल फिर से निकालना है और फिर समर्पित करना है। इसी तरीके से आपको सभी चीज़ों को 5 बार समर्पित करना, ठीक है। हो गया। जो 5 बार मैंने आपको बोला है, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 फूल, 5 लोटा जल, इसको हम लोग बोलते हैं पंच जल, है ना। जब आखिरी लोटा जल आप समर्पित करेंगे तुमरुका जी के नाम से, तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को किसी पात्र में ले लेना, ठीक है। लेने के बाद क्या करेंगे, जो भी मेरी बहनें इस उपाय को संतान प्राप्ति के लिए कर रही हैं, वहीं महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के तुमरुका जी के नाम से इसका आचमन कर लेना, ठीक है। लेकिन जो भी मेरे भाई या बहन इस उपाय को कर रहे हैं बीमारी के लिए, तो उस जल को तुमरुका जी के नाम से रोकना और उस बीमार व्यक्ति के पास अपने घर लेके चले जाना और तुमरुका जी के नाम से उसका आचमन करा देना, उस व्यक्ति की जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, है ना। बहुत सारे लोग पूछेंगे, भैया इस उपाय को करेंगे कौन से दिन? तो किसी विशेष दिन, चाहे सोमवार का दिन पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, या फिर इस टाइम जो सीज़न चल रहा है, जैसे ये जो है ना दिन चल रहा है कौन सा, गुप्त नवरात्रि का, तो इसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं, समझ में है मेरी बात। चलो, तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अब हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय है वो समझना किसके लिए है। अगर आपकी कोई ऐसे विषय मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी, मतलब पूरी हो ही नहीं पा रही है, बहुत व्रत करके देख लिए, बहुत पूजा पाठ कर लिया, उसके लिए करना क्या करना होगा, लेना होगा 1 सफ़ेद फूल। क्या करोगे? मात्र 1 सफ़ेद फूल लेना।
साथ ही साथ लेना होगा यहाँ पर कमलगट्टे। कितने कमलगट्टे? एक कमलगट्टे। बहुत सारे लोग परेशान रहते, भैया कमलगट्टे हमें नहीं मिलते, हम लोग क्या करें। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाना, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बट खोजना तो पड़ेगा ही। एक कमलगट्टे लेना। इन दोनों चीज़ों को क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना, इसमें भरना जल, फूल को इसमें मत डालना, लेकिन जो कमलगट्टा है वो इसी जल के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और आपके पास में जो एक सफ़ेद फूल है ना, उस एक सफ़ेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, समर्पित कर दिया। अब आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, जिसमें कमलगट्टा आपने डाल रखा है, उसका जल उसी फूल के ऊपर चढ़ाना है, कहीं और चढ़ाना ही नहीं है, उसी फूल के ऊपर चढ़ाना है, बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। हफ्ते में एक बार जो भी व्यक्ति सफ़ेद फूल के ऊपर कमलगट्टे का जल समर्पित कर देता है, उससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, उनके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, और महादेव तो खुश होते ही होते हैं, उनकी जो भी विशेज होती हैं, जो भी मनोकामनाएँ होती हैं, महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो दो उपाय की बात तो हमने यहाँ पर कर ली है, काफ़ी ज़्यादा आसान थे। पहला वाला उपाय थोड़ा बड़ा ज़रूर था, लेकिन आसान भी था। ठीक है, दो उपाय हो गए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, और तीसरा उपाय में क्या फ़ायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले अपने भाई का चैनल जल्दी से कर दो लाइक, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। आप वीडियो तो देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, इसकी बात नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो तीसरा उपाय है और इस वीडियो का जो आखिरी उपाय है, उसके फ़ायदे हैं कि अगर बीमारी आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, चाहे वो आप हो या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य हो, उसका पीछा नहीं छोड़ रही है ना, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूर्वा, दिख रही है, मात्र एक दूर्वा लेना है, ज़्यादा लेना ही नहीं है, मात्र एक दूर्वा गिन के लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा एक बेलपत्र, जो बहुत ही प्यारी सी हो, कहीं से कटा पिटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बेलपत्र भी ले लिया। अब देखो, इन दोनों चीज़ों को लेके हम महादेव के ऐसे शिवलिंग के पास जाना है जहाँ पर नंदी बाबा भी विराजमान हो। किसी भी लगभग मैक्सिमम किसी भी महादेव के मंदिर में जाओगे, सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के होंगे, इनका सबसे पहले दाहिना पैर छुएंगे, और इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। जो नियम बताऊंगा उस नियम को फॉलो करना, कल की ही कथा में गुरुजी ने बताया है बिहार वाली। ठीक है, देखो खड़े किधर होगे, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक जो दूर्वा है उस दूर्वा को समर्पित करना, और जो एक बेलपत्र आपके पास में है उसी दूर्वा के ऊपर बेलपत्र भी समर्पित करना। जो बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए वो होगी जलाधारी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसी बेलपत्र और दूर्वा के ऊपर समर्पित करेंगे। जो जल आप समर्पित करोगे ना, ये जल बहता हुआ इसी जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। अरे गिरेगा ना, तो आप क्या करेंगे, इसको किसी भी चीज़ में रोक लेना, किसी छोटे से पात्र में रोक लेना। ठीक है, रोक लिया। रोकने के बाद क्या करेंगे, वहीं पर मंदिर में जहां पर भी नंदी बाबा हो उनके पास में जाकर के बैठ जाना। ये जो उठा वाला पैर है यहीं पे पास में जाके बैठ जाना। बैठने के बाद क्या करेंगे, किसका नाम लेके उसका आचमन करना होगा, नंदेश्वर महादेव। किसका नाम, नंदेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको उसका आचमन कर लेना होगा। जो भी आपकी बीमारियां होंगी, जो भी आपकी बॉडी में तकलीफ होगी ना, सिर्फ इस नाम से, नंदेश्वर महादेव के नाम से वो बीमारी आपकी हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, जब चढ़ाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पहले दूर्वा समर्पित करोगे, उसके बाद बेलपत्र समर्पित करना। थोड़ा सा इफेक्ट होता है ज्यादा, और नियम भी है इस उपाय को ऐसे ही करने का। समझ में है मेरी बात? तो मैंने कोशिश की आप सभी को, तीन उपाय इस पूरी वीडियो में बताए हैं, तो कोशिश तो की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मुझसे फ़ोन पे बातें कर रही है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108, और जो कुछ भी पूछना हो ना तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपके भाई का चैनल है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।